नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सरकार के फैसलों को गलत ठहराने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वह जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखकर ही फैसला लेती है। उसके दिमाग में फैसले के पीछे जनता का कल्याण छिपा रहता है, पर जब ऐसे केस सामने आते हैं तब हमें लगता है कि जो ये ढील दी जा रही है इतनी, ये जो फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बारे में सरकार को और अधिक गहराई से सोचना पड़ेगा। जब फैसला लेने से पहले और अधिक गहराई में सोच लेना चाहिए था। देखिए, आज हम जिस सनसनीखेज मामले की बात करने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी चालक ने पैसा कमाने के लालच में हिमाचल की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैक्सी चालक ने पहले झूठ के दम पर पास हासिल किया और फिर उत्तर प्रदेश के रेड जोन बिजनौर जाकर एक बच्चा, महिला और पुरुष को अपने साथ ले आया, जहां आकर तीनों होम क्वारंटीन हो गए हैं। लेकिन हद तो ये है कि होम क्वारंटीन होने के बाद भी तीनों बाजार में घूम रहे थे, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस को अभी तक सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो सच्चाई सामने आते देर नहीं लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने सभी राज खोल दिए और आगामी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि माँ की बीमारी का बहाना बनाकर टैक्सी चालक इंद्रजीत ने पास हासिल किया और उसने अनुमति ली कि वे दो लोगों के साथ ड्यूटी जा रहा है, लेकिन वे जहां से अकेला ही गया और वापसी में बिजनौर के रेड जोन से तीन लोगों को लेकर वापस आ गया। साथ ही उसने नाकों पर ये बताया कि उसके पास सोलन से बना हुआ पास है, इसके लिए हम सरकारी केंद्रों में क्वारंटीन नहीं होंगे, वे होम क्वारंटीन होंगे। इसके बावजूद वे बाजारों में घूम रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। घर का एक अन्य सदस्य बाजार में दुकानदारी भी चला रहा है। तो पुलिस ने जब जांच की तो इंद्रजीत की पोल खुल गई, जिसके चलते पुलिस ने रिजवान, समरीन और इंद्रजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की हम ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके लिए आते रहेंगे, ताकि आप अलर्ट रहें, आपको पता रहे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कि ऐसे मामले कहीं आपके आसपास का ही तो नहीं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।